हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सी जीपीएससी में। आज हम लोग भारत के करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, अंतरिक्ष संबंधित करंट अफेयर। हाल ही में सीजीएसआई में एक प्रश्न आया था कि पीएसएलवी 53 के साथ मतलब कौन से देश का उपग्रह या फिर रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो आंसर क्या था, सिंगापुर। तो वैसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। आप इस चैनल में जुड़ जाइए क्योंकि 12 तारीख को बाद कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि 12 तारीख को पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, फिर एसआई का तैयारी करने में लग जाएंगे, और साथ ही अगर सीजीपीएससी का मेंस होता है तो उसके लिए भी लग जाएंगे। देखते हैं, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि LVM3 इसरो का सबसे बड़ा या सबसे भारी रॉकेट का सफल अभियान है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं कि 23 अक्टूबर 2022 को ये प्रक्षेपित किया गया, एक चीज। और दूसरा, मिशन द्वारा जो स्थापित 36 उपग्रह है, ठीक है, देखो, रॉकेट LVM3 ब्रिटेन की कंपनी वनवे के ब्रॉडबैंड से संबंधित 36 उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये डायरेक्टली आएगा भाई, अब थोड़ा तो ध्यान में रखना होगा ना। तो LVM का संबंध किससे, ब्रिटेन से, एक चीज़ समझ गए। ओके, इस परियोजना का क्या है, इसका प्रथम, ये प्रथम वाणिज्यिक परियोजना, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको जो लॉन्च किए थे ना, मतलब इस परियोजना के लिए इसरो को जो वाणिज्यिक इकाई थी ना, उसके क्या नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक, के साथ वन में जो ब्रिटेन की कंपनी, उसका अनुबंध हुआ। आगे बढ़ते हैं, LVM की विशेषता को थोड़ा देख लेते हैं। यह ना त्रिचरित्री प्रक्षेपण यान, मतलब थ्री डायमेंशन। वजन कितना है इसका, वेट 5796 kg पेलोड है इसका। और चंद्रयान, आगामी जो चंद्रयान है इसरो की मिशन है, उसमें इस परियोजना के रूप में संचालित होगा, ये भी ध्यान में रखना, इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, उसके बाद अगला है कि भारत का प्रथम निजी रॉकेट का क्या नाम है, विक्रमएस, निर्माता स्काई रूट। ओके, प्रक्षेपण कब हुआ, 18 नवंबर को, कहाँ से, इसरो से, मतलब श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। ओके, और ये फैक्ट को ध्यान में रखना, 3 हल्के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये किसमें, 18 किलोमीटर की ऊंचाई में, ठीक है। और इस जो योजना का है ना, इसको बताओ, रॉकेट स्काई रूट एयरो स्पेस द्वारा बनाया गया, इसी कारण इस मिशन का प्रारंभिक नाम यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है EOS, देखना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक। उपग्रह श्रेणी कौन सा भी है, प्रक्षेपित कब हुआ, 26 नवंबर 2022 को। पेलोड कितना है इसका, 1117। जीवन काल 5 वर्षों का है। किससे लॉन्च किया गया, तो ये है PSLV 54, ठीक। इसके जस्ट पहले है 53, तो ये 53 से संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। इसका देखो, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, ओशन सेट 3 उपग्रह भारतीय महासागरों के वैज्ञानिक अध्ययन और चक्रवात संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक फैक्ट को देख लेते हैं पीएसएलवी 53 के संबंध में। देखो, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, देखिए, ओशन सेट 3 पृथ्वी से लगभग 742 किलोमीटर ऊंचाई पर, मतलब सन सिंक्रोनियस ऑर्बिटल में स्थापित किया गया है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना। और दूसरा चीज़ ध्यान में रखना, इसके साथ 9 नैनो उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। देखिए, अगला टॉपिक को ध्यान में रखना, अगला जो पॉइंट है, देखो, आर्टिमिस क्या है, ये पूछा जाएगा। तो ये नासा का चंद्रयान मिशन है, एक चीज, इसके साथ मानव को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है। इस मिशन के तीसरे चरण में अंतरिक्ष यात्री का एक दल 2024 में भेजा जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण इसको रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल इसको तो ध्यान में रखना, आर्टिमिस ना। प्रक्षेपित करने की जो तिथि थी ना, 26 नवंबर को था, और सफल प्रक्षेपण हुआ, लेकिन कुछ कारणों से इसमें समस्या आ गई थी, तो बीच में रद्द किया गया था, फिर उसको लॉन्च किया गया। किससे भाई, SLS। ओके, ये जो है ना, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये असफल रहा। देखो, इसरो द्वारा प्रथम लघु उपग्रह प्रक्षेपण भेजा गया। देखो, थोड़ा न्यूज को पढ़ लेते कि विश्व अंतरिक्ष बाजार में लघु उपग्रह की बढ़ती मांग को देखते हुए इसरो द्वारा 2 लघु उपग्रह को स्वदेश निर्मित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV D1 से, ठीक, प्रायोगिक उड़ान द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया, लेकिन ये कुछ कारणों से असफल रहा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म देख लो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसरो, इसको बोलते हैं इसरो बेबी रॉकेट ना, और EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लघु उपग्रह, तो प्रक्षेपित किया गया था लेकिन असफल रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं, भारत का मंगल मिशन मॉम 2013, ये डेट को याद रखना, ठीक, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित यान PSLV 25, ठीक है, C25, और मंगल ग्रह स्थापित किया गया था 24 दिसंबर 1924 को, लगभग 450 का इसका लागत आया था। अब हाल ही में
इसका जो कार्यकाल था वो लगभग समाप्त हो गया था, इसी कारण न्यूज़ में है। ठीक है, देखो अब देखिए, मिशन समाप्ति का आधिकारिक घोषणा 2 अक्टूबर 2022 को होता है, 2 अक्टूबर 2022 को होता है, इसी कारण ये न्यूज़ में है। 8 साल के बाद अपना ये जो भी सेवा है वो अभी बंद कर रहा है। कारण क्या है, बैटरी बैकअप ना मिलने के कारण ये जो पूरा सिस्टम है ना वो थोड़ा डिसमैनेज हो गया। और ये मॉम वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, मतलब मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये लगभग समाप्त हो गया। अब इसके बाद नया प्रक्षेपित किया जाएगा, इसी कारण ये न्यूज़ में है। एक फैक्ट को ध्यान में रखना, देखो 24 दिसंबर 2014 को मंगलयान प्रवेश मॉम मतलब प्रवेश किया गया था मार्स में। एक चीज़ तो जीवन काल में लगभग छः महीने निर्धारित किया गया था ना, लेकिन कितना चला, 8 साल 8 दिन, भाई इतिहास रच दिया इसने। ठीक है, आगे भी इसको सफल प्रक्षेपित किया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो अब थोड़ा देख लेते रक्षा क्षेत्र से। देखो इंटरसेप्टर AD-1 रक्षा प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मतलब BMD। ठीक, एजेंसी कौन था, ये रक्षा प्रणाली का नाम है ना एजेंसी DRDO। प्रक्षेपण कब हुआ, परीक्षण कब हुआ, 2 नवंबर 2022 को। ठीक है, कहाँ से, APJ अब्दुल कलाम चांदीपुर से क्वेश्चन आ सकता है। ये स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी ध्यान में रखना। और इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रणाली के मिसाइल शत्रु देश के जो युद्धक विमान है को रोकने के लिए निर्माण किया गया था। ये आपके लिए मोस्ट IMP है। ठीक, INS विक्रांत भारत का स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा युद्ध पोत है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। 2 सितंबर 2022 को ये ठीक अनावरण किया गया इसका, कोचिन डकयार्ड लिमिटेड से। ठीक, इसका कुल भार कितना है, 44,000 टन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि माननीय मोदी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री है, इस युद्ध पोत का अनावरण के दौरान नौसेना की जो नए ध्वज है ना, नया ध्वज क्या नाम है, निशान का प्रदर्शन के प्रतीक रूप इसमें शामिल किया। ठीक, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर निशान आएगा। निशान क्या है, नौसेना का नया प्रतीक, नया ध्वज, इसलिए इसका नाम रखा गया है छत्रपति शिवाजी को प्रेरित है, नाम से कनेक्ट कर लेना, तो ये ध्यान में रहेगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर LCH प्रचंड, ये LCH क्या होता है भैया, हल्का लड़ालू लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। देखो निर्माण किसने किया, हाल ने, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो ये जो है ना, ठीक, भारतीय वायुसेना में शामिल सबसे नवीनतम ठीक लड़ाकू विमान है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ और है, इसको भी देख लेते हैं क्या है भैया, कि VLSR SAM। ठीक है, वर्टिकल लॉन्च, ठीक है, सेटिल से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, निर्मित किसके द्वारा है, DRDO द्वारा। तो इसको ध्यान में रखना है कि लंबवत मार करने वाला मिसाइल है एक चीज़, लेकिन आकाश से कम दूरी तक के लिए ना, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद एक नाम रखना आपको, चार्ल्स ड्यू, तो ये अमेरिका युद्ध पोत है, कम से कम इसको ध्यान में रखना। जब भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता हुआ था ना, तो इस विषय में बहुत सारा चर्चा हुआ था, तो इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करोगे चल जाएगा।